दो साल पहले जब मैं आया था तब वहाँ पे लोग कहते हैं ऐसा कि वहाँ पे बिग बॉस सीजन। व्हाट्सअप गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी गर्मी में काफ़ी हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, रहा नहीं जा रहा घर में। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक एसी ले लेते, तो वही अभी मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन और मेरे पापा पहुँच चुके हैं विजय सेल्स में, तो बस मैं अभी निकल रहा हूँ, हेलमेट पहनता हूँ फिर निकलते। मुझे मेरे बिल्डिंग से पार्किंग से इतनी दिक्कत है ना गाइस, यहाँ से अगर आपको गाड़ी निकालनी है पार्किंग से तो आपको 10 मिनट है ना, मतलब जल्दी निकलना पड़ेगा घर से अगर आपको किधर जाना है। तो मेरी गाड़ी इधर खड़ी थी, तो यहाँ पे देखो साइड में साइकिल है, ये गाड़ी इसने ऐसी टेढ़ी लगा के रखी है, वहाँ पे उधर एक गाड़ी है, मतलब निकाले तो निकाले कैसे, इतना इरिटेट हो जाता हूँ ना मैं डेली, क्या बताओ। अब एक गाड़ी निकालने के लिए 10 गाड़ी साइड करनी पड़ती है यहाँ पे, क्या बोलो अभी, मैं दर्द कौन समझेगा। साला ये दुख का खत्म होता बे। दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं, इतनी गर्मी है बाहर कि मैं क्या बताऊँ, मतलब गाड़ी चला रहा हूँ हवा आ रही है तो भी, मतलब इतनी गर्म हवा आ रही है ना गाइस कि क्या बताऊँ, परेशान हो गया। अगर रस्ते का व्यू दिखा तो आप लोग को, मैं फाइनली विजय सेल्स पहुंच चुका हूँ, यहाँ गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, ये ऊपर देख सकते। स्माइल कौन सा डिसाइड करते हैं, मैं आपको देख के बताता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऐसे हमने बुक कर लिया है, अभी मैं घर जा रहा हूँ और पापा और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन के ससुराल जा रहे हैं क्योंकि वो आने वाली है, तो उसको लेने जा रहे हैं। तो मैं जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुँचता हूँ तो मैंने कौन सा एसी लिया है, उसके कुछ फीचर्स सब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका हूं और हमने डेकिन का नॉन इन्वर्टर वाला एसी बुक किया है, क्योंकि पहले हम इन्वर्टर वाला ही कर रहे थे, पर उसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर आपके थोड़े भी लाइट में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो फिर उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं इन्वर्टर वाले के। तो हमारे बिल्डिंग में थोड़ा इशू है फ्लक्चुएटिंग का, तो अगर उसके एक पार्ट भी जो मेन पार्ट है अगर वो ख़राब होता है तो उसका 12,000 रुपीज़ चार्जेस है, तो फिर वो लेने का फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर हमको मालूम है कि फ्लक्चुएटिंग से ख़राब हो रहा है। तो फिर हमने फिर नॉन इन्वर्टर वाला बुक किया डेकिन का ही,
और उसकी हमें 5 साल की वारंटी मिली है, और 1 साल का उसके अंदर के पार्ट्स का वारंटी मिला है, और तो हमने उसको एक्सटेंड भी कराया, तो हमारा टोटल 8 ईयर्स का वारंटी हो गया है। और एसी हमें 36,000 में पड़ा, और फिटिंग चार्जेस जब वो लेके आएंगे तो 4,000 रुपीज़ कुछ उसका लेगा, तो फिर टोटल 40,000 कुछ लगभग पड़ गया एसी का। और विजय सेल्स का एक बात ये अच्छी लगी, आज मैंने बुक किया तो वो कल डिलीवरी दे देंगे, और विद इन 2 डेज़ बाद फिटिंग के लिए आदमी लोग आ जाएंगे, तो उनका सर्विस बहुत फास्ट है, इसलिए मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेना रहता है तो मैं विजय सेल्स से ही लेता हूँ। और अभी ब्लॉग तो अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड का अभी फ़ोन आया था, उससे अभी वो कह रहा था कि रील्स वगैरह बनाते जाते किधर, तो मैं बोला मैं अभी जस्ट अभी आ ही रहा हूँ, जब मैं ऑन दी वे था तभी उसका फ़ोन आया था, तो अभी तो मैंने उसको बोला फ्रेश होके जाते, तभी मैं फ़्रेश हो जाता हूँ घर जाके, फिर जाएंगे हम लोग रील्स बनाने, देखते कौन से लोकेशन में जाते, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फिर तो अभी मैं रेडी होके आए, फ्रेश होके आ चुका हूँ, तो अभी हम रील्स बना तो गाइस ये तो यहाँ पे लोग शूट के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे एक राइट टर्न मारेंगे तो एक मतलब अभी खंडर हो गया है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था। आज से 2 साल पहले जब मैं आया था तब वहाँ पे लोग कहते हैं ऐसा कि वहाँ पे बिग बॉस सीज़न 5 का शूटिंग भी हुआ है, तो अभी तक किसी को मालूम तो नहीं है इधर, अभी अगर पेंटिंग अभी भी रहा वो बिग बॉस सीज़न 5 का तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अभी तो फिलहाल हम लोग नदी के पास जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें आना था, यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये ट्रेन जाती है वो ब्रिज, यहाँ पानी तो फिलहाल गर्मी की वजह से सूख गया है, लेकिन वही आप थोड़ा आगे देखो तो वहाँ बहुत पानी है, वहाँ पे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, और ये अपने पंटर लोग जा रहे हैं रील्स बनाने और थोड़े फ़ोटोशूट करने। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा रील्स वगैरह बना लेता हूँ, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेता हूँ, और फिर मिलता हूँ। तो गाइस अभी रील्स और फोटो क्लिक सब कुछ हो चुका है, तो अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं, और अभी मतलब घर तो जा रहे हैं, लेकिन वो बिग बॉस वाला जगह अगर बंद किया है यहाँ पे लोग बोल रहे थे, तो अगर वो चालू रहता है तो मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ। यही से यही तो जगह है यहाँ से जाने का, रुक तो बता तो दूँ। तो गाइस वो जो बिग बॉस वाला जगह मैं बोल रहा था, वहाँ पे ऐसा मतलब बड़ा पेड़ गिरा के रखा है, तो वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती है, तो शायद कुछ इश्यू होगा करके वो रास्ता बंद किया है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी तो हम लोग घर ही जा रहे हैं, चलते हैं।
गाइस ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके हमारा रील्स देख सकते हो। तो बाय।